हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम हमारे घर में पूजा होती है, तो ये क्लिप जो है शाम की है और मॉर्निंग थी, तो मैंने सुबह मतलब सुबह सुबह ये वीडियो जा रहा था, तो सबसे पहले कि भगवान जी के दर्शन हो जाए इसलिए ये क्लिप आगे लगा दी है। और आ चुकी हूँ मैं किचन में। मेरा अधिकतर काम, मतलब मेरे सबसे ज़्यादा टाइम यही बीतता है किचन में। और किचन में आने के बाद मैं बना रही थी मूंग दाल, क्योंकि उनको मतलब तबीयत थोड़ी सी ऐसी लग रही ना, ख़राब सी, बुखार सा आ रहा है, तो लाइट खाना खिलाना चाहिए। और उन्होंने भी बोला था कि मूंग की दाल बना दे, तो मैं सिंपल सी मूंग की दाल बना रही थी। तो उसमें मैंने एक कटोरी दाल ली है, थोड़ा सा पानी डाला है, उसमें ही थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी, नमक और एक टमाटर जो है वो मैंने कट करके इसमें डाल दिया है, ताकि अच्छे से 2 सीटी, मतलब 1 सीटी में हल्की सी वो बन जाती है और 2 सीटी में बिल्कुल एकदम घुलने वाली दाल हो जाती है। तो एकदम घुलने वाली दाल नहीं चाहिए थी मुझे, तो मैंने 1 सीटी मारी है इस पे। और उसके बाद जो मेरी जो दाल है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, तो उसमें मैंने तड़का साथ के साथ ही, मतलब जैसे आटा भी लगा रही थी। मेरे काम ऐसे होते, फटाफट फटाफट ही करती हूँ मैं, एक तरफ सब्जी बनती रहती, दूसरी तरफ रोटी, और रोटी बनाते बनाते ही मैं तड़का भी लगा देती हूँ सब्जी में, मतलब जो छोक, जिसको छोक बोलते हो ना हमारे इधर, तड़का लगाना फिर या सब्जी बघारना ऐसे कुछ बोलते हैं। तो साथ के साथ ही मैंने जो हरी मिर्ची प्याज कट कर लिए थे रोटी बनाते बनाते ही। और यहाँ पे ही खड़े हैं समीर और सेजल। जब भी मैं किचन में होती हूँ तो बाय चांस ही ऐसा होता है कि मैं अकेले अकेले खाना बनाती हूँ, बाकी एक फ्रिज के पास खड़ा रहता है कोई भी, एक गेट के पास खड़ा रहता है, तो बातें करते करते मैं खाना बना लेती हूँ। तो दाल में मैंने तड़का लगाया हींग, जीरा और हरी मिर्ची प्याज का, और काफ़ी अच्छी, मतलब आप हींग डालते हो ना तो खाने में स्वाद बढ़ जाता है, मुझे हींग की खुशबू काफ़ी पसंद है, तो हींग का तड़का दाल में होना ही चाहिए। जब नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब होती है हींग तो मैं तड़का लगाती हूँ हींग का ही, और उसकी खुशबू से ही मेरे को दाल टेस्टी लगती है, मतलब। तो मैं मूंग दाल बनाई है मैंने, और यहीं पे खड़े खड़े बातें हो रही थी। और ऐसा है कि यहाँ पे जो ये सेजल खड़ी है वो मेरे को बोल रही है कि आप गांव कब शिफ्ट होगे, मतलब गांव का घर ठीक करा के कब चलोगे, मतलब गांव रहना है, मतलब मेरे को वहाँ पे अच्छा लगा, तो मेरे से ज़्यादा इसको लग रहा है कि गांव चलना है, मतलब गांव रहना है। तो मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा वो ससुराल मेरा, तू वहाँ क्या करेगी, अपने मम्मी पापा के पास ही रहना, गांव में क्या करेगी, मतलब यहाँ तो अपनी स्कूल के हिसाब से रहती है तू, तो कह रही मैं तो जाऊंगी। तो फिर मैंने बोला, मैंने ठीक है तो चलना, लेकिन मैं गांव में कहीं भी घर के बाहर तुझे निकलने नहीं दूंगी, मंजूर हो तो चलना, नहीं तो मत चलना भाई। मैं खुद भी घर के बाहर बहुत कम निकलती हूँ, तो फिर तेरे को भी मैं किसी के भी घर पे नहीं जाने दूंगी। गांव में ऐसा होता है कि आस पड़ोस में जाके बैठ जाते हैं, बातें करते हैं आपस में ऐसे, मतलब टाइम पास अच्छा होता है। लेकिन मैंने इसको बोला कि मैंने बाहर नहीं निकलने दूंगी तुझे, तो कि नहीं ठीक है मैं नहीं निकलूंगी। और हो चुका है खाना तैयार, तो इसमें ये मूंग दाल है, थोड़ी सी मिर्ची के गट्टे भी है, तो उनको पसंद होंगे तो खा लेंगे, नहीं तो दाल से खा लेंगे। तो मैं इधर जहाँ पे वो लेटे हुए थे वहीं खाना लेके आ गई थी, लेकिन वो किचन में पता नहीं कुछ और काम गए, और मुझे लगा इधर ही आएंगे, इधर ही बैठ के खाएंगे, पेशेंट है तो बेड पे बैठ के ही खाए, लेकिन वो इधर जहाँ पे हम नीचे दरी बिछा रखी है वहाँ पे बैठ के ही खाने लग गए कि नहीं इधर ही लिया। तो मैं उनको बोल रही थी कि मिर्ची के गट्टे पसंद हो तो ले लो, तो बोल रहे थे कि इतने मिर्ची खिला के क्या करना चाहती है तू, मैं नहीं खा रहा इतनी मिर्ची, तो बोल रहे थे और कुछ खाना तो खाने नहीं दो मुझे। समीर जा रहा है भाई, तो बोल दे, मतलब दुखी है क्या इतना जाके? दहेज दहेज मांग लिया मांग रहे हैं क्या ससुराल वाले? आज मम्मी और समीर दोनों जा रहे हैं, तो मम्मी पहले ही निकल चुकी है और समीर अब जा रहा है, तो घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है पूरे दिन, मतलब ऐसे लगा सोना सोना सा घर। और जब रहते हैं घर में तो मेरे को ऐसा लगता है कि कितना भरा भरा सा घर हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। लेकिन अभी आज दिवाली पे आया था समीर, तब से यहीं था, और मम्मी को भी 17-18 दिन हो गए थे मेरे पास, तो आदत हो जाती है, ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर वैसी ही आदत हो जाती है,
तो आज थोड़ा सा घर सुना सुना लग रहा था। और समीर जा चुका है, और जाते वक्त वो बोल रहा था, एक मैंने पूछा ना कि जा रहा है कि दुखी है, तो बोले कि दहेज मांग रहे हैं ससुराल वाले, मतलब कॉलेज की फीस जमा करानी है, और पेपर भी है उसका आज 15 तारीख है ना, तो 15 तारीख को पेपर है उसका, तो चला गया था। थोड़ा सा निकलते हैं घर से तो अजीब सा लगता ही है। और अभी जो है इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हल्की सी थोड़ी सी लग रही होगी वीकनेस, बाकी बुखार उखार अब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं सिलाई कर रही हूँ कल से, और अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी टाइम हो रहा है 7:15, तो खाना वाना बन गया है। और फिर बीच में मैं इसको छोड़ के चली गई थी खाना बनाने, तैयार कर रही हूँ, और थोड़ी सी इतनी सी और बाकी है, लेस लगा रही हूँ इस पे, तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि तैयार होने के बाद ये कैसी लग रही है। और इसी के साथ मैंने ना दिन में जो एक ब्लाउज भी तैयार किया है, तो वो भी कंप्लीट होने के बाद या फिर कल पहनूंगी, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे सिलाई करी है, मतलब कैसे बने हैं। और आज जाना है मुझे कहीं प्रोग्राम में, तो फटाफट फटाफट से ये एडिटिंग खत्म करके, वॉइस ओवर कंप्लीट करके, वीडियो अपलोड करके, घर के काम से फ्री होके हो जाती हूँ तैयार। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं 10 10 बजे तक यहाँ से निकल जाऊंगी। तो जाना है आज मुझे घूमने थोड़ा सा, और अभी ठीक भी है उनकी तबीयत, तो वो मेरे को देवली तक तो छोड़ के आएंगे, उसके आगे मैं अपनी सिस्टर के साथ जाऊंगी, इनकी ड्यूटी है आज, तो वापस घर पे आ जाएंगे। और हो चुकी है मेरी ओढ़नी कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद से सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। बाय।